हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत है सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर। दिस इज निहारिका एंड गाइस, आप लोगों के लिए सेशन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, देखना। तो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगी मैं आपको। थंबनेल से आप लोगों को एक चीज क्लियर होती होगी कि जीडी और हम लोग बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ की। एसएससी जीडी और सीआरपीएफ में कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में बताऊंगी कि जो बच्चे जीडी में सिलेक्टेड नहीं हो सकते, जो कैंडिडेट, वो उनके पास एक चांस है सीआरपीएफ में जाने। क्यों कह रही है मैं ऐसा? आप क्योंकि बच्चे, आप लोगों को ये सारे सेशन में बताने वाली हूँ कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका जीडी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, दूसरा चांस हमारे पास क्या रहेगा। तो चांस ही बताने जा रही हूँ, आप जल्दी से आइएगा, सेशन को कीजिएगा ज्वाइन। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करना बनता है, अगर सेशन अच्छा क्या तो शेयर तो आप करेंगे। बात होती है कि आप लोगों की पहले सब्जेक्ट की, आज जानेंगे कि भाई जीडी और सीआरपीएफ एक दूसरे के लिए, मैंने क्यों कहा सही है कि भाई अगर आपका एक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे में सिलेक्शन के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर दें। बात करूंगी मैं यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट्स की कि जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, आप लोगों का मैथमेटिक्स, इंग्लिश है, और जो टोटल नंबर जो आप लोग देखिएगा 160 नंबर का पेपर होता है आपका जीडी का। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम भी आप लोग देख लीजिए कितना दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.50 नेगेटिव मार्किंग, 0.50, ठीक है ना, तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने कोई भी आंसर इनकोरेक्ट जो है मार्क कर, या ये हो गई बात, ठीक है। सब्जेक्ट्स आप लोगों ने देख लिए, जीके होगा आपका, जीके जीएस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंसी रहेगी भाई, करंट अफेयर, रीजनिंग आप लोगों को आ जाएगा, मैथ्स आता है, इंग्लिश और हिंदी में च्वाइस होती है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, मैम हमको इंग्लिश में भाई दिक्कत होती है तो हम हिंदी की तरफ भी जाएंगे, इसलिए हम जीडी का पेपर फिल कर। बहुत बढ़िया, तो पेपर फिल करते हुए आप लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, तो तैयारी तो ऐसे ही करेंगे सब्जेक्ट बेस्ड। और पीटी की बात करती हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए गाइस, तो आप लोगों का यहाँ पर मेल के लिए जो भाई क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर फिटनेस का, वो कितना होना चाहिए मैम? रेस 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट। तो यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया आपका है इस चीज की। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एसएससी जीडी की हो गई है भाई 18 से लेकर 23 साल तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जीडी का, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैम कहना क्या चाहती हैं कि सीआरपीएफ, मैम कहना चाह रही हैं कि अगर जीडी में नहीं हुआ सिलेक्शन, सीआरपीएफ की तरफ मूव क्यों कर लेना? आ जाओ, अब जीडी समझ लिया ना, अब सीआरपीएफ समझो। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आ रही है कि नहीं आ रही? उसमें आ रही है। तो आप लोगों का यहाँ पर जो 160 का पेपर होता है यहाँ पर कम होकर 100 का हो जाएगा। पहले तो मार्क्स कम हो जाते हैं पेपर के, 160 जितना नहीं है। फिर आपका मैथमेटिक्स तो आएगा, जीके जीएस वहाँ पर भी था, आपके क्या थी भाई, मैथ्स वहाँ पर भी था, रीजनिंग वहाँ पर भी थी, तो पूरे आपके यहाँ पर देख लीजिएगा वही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश हिंदी च्वाइस आपको दोबारा से मिल जाती है कि अगर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है क्या हम हिंदी की तरफ चले जाएं, हिंदी को सिलेक्ट कर लें, तो ऑफ कोर्स गाइस यू कैन सिलेक्ट हिंदी, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को फिर से भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, वहाँ पर 0.50 है, यहाँ पर 25 है, बढ़िया है गलत कहते अच्छा नहीं है, अच्छा है कि नहीं अच्छा ये बताओ, अच्छा है ना, तो यहाँ पर इतनी है नेगेटिव मार्किंग। और आपके भाई देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, एक क्वेश्चन एक नंबर। तो जी आपको पोस्ट बता दे सकती हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग सीआरपीएफ के लिए जा रहे हैं तो बच्चा आप लोग कांस्टेबल के लिए आप लोगों ने जाना है, तो ये देखिए एज क्राइटेरिया भी दिया गया है और आप लोग कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ड्राइवर, एमएमवी, कॉबलर है ना, कारपेंटर, टेलर, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर जीडी में सिलेक्शन नहीं तो क्या सीआरपीएफ की तरफ मूव कर जाएं? तो ऑफकोर्स गाइज आप लोग सीआरपीएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल गाइस आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, सबसे बात हो जाती है कि बेटा आप लोगों के सब्जेक्ट सेम हैं, तैयारी आप लोग कर सकते हैं, 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मिल रही है आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग सीआरपीएफ में। तो क्या मैम सीआरपीएफ के जो फॉर्म हैं वो फिल हो रहे हैं? ऑफकोर्स फिल हो रहे हैं फॉर्म आपके। 24 अप्रैल जो होगा वो लास्ट होगा फॉर्म फिल करने का, तो जल्दी से जाइएगा अप्लाई कर दीजिए सीआरपीएफ में। जीडी में नहीं लग रहा सिलेक्शन होगा, सीआरपीएफ आप लोगों के। सेशन अच्छा लगा हो सेशन को शेयर करना, लाइक करना तो बनता है। ऐसी न्यू अपडेट के लिए और अपनी एमटीएस एसएससी एमटीएस क्लास के लिए जरूर मुझे ज्वाइन कीजिए।
बजे रिजल्ट गुरु। थैंक यू सो मच।